नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। हमारे बॉलीवुड के तीन दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन, आमिर खान और शाहरुख खान, ये तीनों कलाकार एक दिग्दर्शक के साथ, एक डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए उत्सुक है, लेकिन अभी बात बनी नहीं है। तो ये कौन डायरेक्टर है? ये डायरेक्टर का किस्सा कुछ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ही है। नरेंद्र भाई ने अपने वतन वडनगर में चाय के ठेले पर काम किया था, स्टेशन पे। ऐसी कुछ स्टोरी इस डायरेक्टर की भी है। सौराष्ट्र का अमरेली डिस्ट्रिक्ट और उसका खिजड़िया गांव, वो स्टेशन पे उसके पिताजी का चाय का ठेला था और वहाँ वो लड़का जाता रहता। लेकिन नरेंद्र भाई की तरह ही उसका काम कुछ और ही होने वाला था, और ये लड़के का काम के कुछ और ही हुआ है। ये नाम है नलिन रमणिक भाई पंड्या। वैसे तो ये मशहूर पान नलिन के नाम से है। ये पान नलिन नाम कैसे हुआ उसकी भी एक स्टोरी है। खिजड़िया से उसकी सफ़र शुरू होती है, वो स्कूल में जाता है, वो चित्र अच्छे किया करता था, पहाड़ों का, वनराजी का ऐसा। और ये जो खिजड़िया गांव है वो इलाका है, वहाँ एशियाटिक गिर का एरिया है और ये वहाँ की एशियाटिक लाइन काफ़ी दिखते हैं। तो ये लड़का आगे स्कूल में जाके उसकी जो रुचि थी वो डिज़ाइनिंग में, फाइन आर्ट्स में थी, तो वो MS यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स का कोर्स करता है। फिर NID अहमदाबाद में पढ़ता है। जब वो MSU में पढ़ता था, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में, तब वो पेंटिंग करता था। तो नलिन लाल तो लिखता था, इसके आगे अपनी सरनेम पंड्या पूरा नहीं लिखता था, PAN ही लिखता था। तो एक प्रोफेसर ने वो देखा कि ये अच्छा है, ये पान नलिन अच्छा सुनने में भी अच्छा लगता है, तो ये आप यही नाम यूज़ करो। तो तब से वो पान नलिन बन गया। NID में पढ़ के वो, उसका सपना था कि बॉलीवुड में जाओ। कई लोगों का जो सपना है वो भी, उसके पास फूटी कोड़ी नहीं थी, जैसे तैसे करके वो बम्बई आता है, बम्बई में काम ढूंढता रहता है। आखिर में दुर्गा कोटे प्रोडक्शन में उसको काम मिलता है और एडवर्टाइजिंग एड जो बनती थी उसमें वो लग जाता है। दुर्गा कोटे बोलती है, यार तेरे पास तो NID की डिग्री है, क्यों यहाँ सड़ता है, तुझे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उसको तो ये फिल्म का काम ही करना था। तो इसमें से आगे जाके एड फिल्म बनाते, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की उसकी पहली एड फिल्म बनी थी, और इससे आगे जाके एड फिल्म बना के वो फॉरेन में भी शूट करता रहता था। तो उसकी एक चाह थी कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो आज तक कभी नहीं बना है। तो उसको लगा कि टीवी सीरियल में अजमाइश की जाए। कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण की वागले की दुनिया, लक्ष्मण्स वर्ल्ड, ऐसा करके प्रोजेक्ट वो शुरू करता है RK लक्ष्मण के साथ। पूरा प्रोजेक्ट की चर्चा होती है, 6 एपिसोड भी तैयार हो जाता है, लेकिन RK लक्ष्मण की कुछ डिमांड थी कि उसका कॉमन मैन ऐसा होना चाहिए, उसका कॉमन ऐसा करता है, ऐसा नहीं करता है। तो उसके साथ पान नलिन की जमी नहीं, वो कुछ और ही सोचते थे, और इसी तरह ही उसने एपिसोड बनाने शुरू किए थे। जो ये जो क्रिएटिव डिफरेंस वाला मामला हो गया, तो पूरा उसने प्रोजेक्ट फिर बेच डाला और वागले की दुनिया सीरियल बनी, तो हम सब जान के काफ़ी मशहूर हो। उसको लगा कि मुंबई मेरे लिए सफलता की सीढ़ी नहीं बन सकती। तो
विदेश उसका आना जाना रहता था एड फिल्म की शूटिंग के लिए, तो वो अमेरिका जाता है और एक फ्रेंच कंपनी के साथ डोक्यू ड्रामा बनाता है बोर्न क्रिमिनल। फिर उसको कान फेस्टिवल में इनविटेशन मिलता है, वहाँ जाता है, तब पता चलता है कि ये तो कुछ अलग ही दुनिया है। बॉलीवुड के सिवा भी बहुत कुछ है जो मैंने अभी तक देखा नहीं। किसी ने कहा कि आप क्यों लिखते नहीं, आप स्टोरी लिखना शुरू तो करें। तो फिर दौर शुरू होता है, बीबीसी के लिए वो डॉक्यूमेंट्री बनाता है, नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी इसके लिए भी फिल्म बनाता है, लेकिन आखिर जो उसका सपना था कि अपनी फिल्म बने, तो बनती है और काफ़ी हिट होती है। ये बात 2001 की है। इसके पहले शॉर्ट फिल्म, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना लिए। पहली फिल्म थी 1991 में द खजुराहो, शॉर्ट फिल्म थी। फिर तुलकुज, फिर नागाज, द डब्ड, काल, द देवदासी, एफिल टावल ट्रायोलॉजी, अमेजिंग वर्ल्ड इंडिया, और फिर आती है संसार। ये नाम तो संसार है लेकिन संसारा बोला जाता है। इस फिल्म में काफ़ी मेहनत की थी ना पानली में, 6-7 बरस उसके पीछे लगे रहे थे। बौद्ध धर्म और अध्यात्म की बात इसमें सेंट्रल आइडिया वो थे। इसमें थीम ये था कि आप अपनी इच्छा में, इच्छा को काबू में रखे या उस उसके वो वश हो जाए, ये प्रश्न पूरी फिल्म में उठता है। लद्दाख में उसका शूटिंग होता है, बहुत हाइट पे, 150 लोगों का क्रू था, और नलिन के साथ मेरी जब बात हुई थी वो बोले थे कि मेरी स्टोरी भी यूनिक थी, इसीलिए हमने कहीं ऊंचाई पे जाके लद्दाख में ये फिल्म का शूटिंग किया। तिब्बतीन भाषा में ये फिल्म बनी है और रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हो गई। 84 कंट्री में ये फिल्म रिलीज हो गई और उसको 30 अवार्ड मिले, और ये 12 करोड़ का इस फिल्म का बजट था, लेकिन इस फिल्म ने 120 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस किया। तो जो रिकग्निशन चाहता था वो उसको पाल नलिन को मिल गया। लंदन में एक फोरम है, इसमें भारतीय सिनेमा का विश्व में कैसे प्रसार किया जाए, इसमें सब आते लोग आते हैं, उद्योगपति आते हैं, निर्माता निर्देशक सब आते हैं। इस पावर हाउस के ऊपर एक प्रेजेंटेशन हुआ, भारत के बाहर टॉप 10 फिल्म कौन सी है उसके आंकड़े दिए गए, देवदास, लगान, इसके बाद 4th क्रम पर संसार आती। तब लोगों को ख्याल आया कि बॉलीवुड के लोगों को ख्याल आया कि संसारा के जो दिग्दर्शक है उसने क्या कमाल किया है। ऐसी ही दूसरी उसकी सफल फिल्म वैली ऑफ फ्लावर्स, पहली फिल्म में कोई स्टार नहीं थी, दूसरी में नसरुद्दीन शाह और मिलिंद सोमन थे, और फ्रेंच एक्ट्रेस भी थी। ये एक प्रकार से लव स्टोरी ही थी, एक युगल को अमृत पीने की इच्छा थी, वो इसमें से स्टोरी आगे आगे जाती है। और ये फिल्म भी काफ़ी चली, और पान नलिन का एक सपना भी पूरा हुआ कि नसरुद्दीन शाह के साथ मैंने फिल्म करनी थी, मैंने करी, और नसरुद्दीन शाह की भी इच्छा थी कि मैं पान नलिन के साथ फिल्म करूंगा, इसके लिए मैं कभी भी डेट दे सकता हूँ। तो पान नलिन ऐसे ही आगे बढ़ते गए और वैली और फ्लावर्स
से आगे जाके आयुर्वेद आर्ट ऑफ बीइंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई। ये इसका रिकॉर्ड ये है कि स्पेन में पूरे एक बरस ये फिल्म चली थी और फ्रांस में 3 बरस, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी में भी ये सफर हुई। संसारा की तरह ही ये फिल्म भी काफ़ी चली। कोपनहेगन परिषद में दुनिया के 30 देशों के 30 नामी डायरेक्टर को बुलाया गया था और पर्यावरण पर फिल्म बनाने का निमंत्रण था, तो इसमें एक पान नलिन भी थे। तो इसमें से पान नलिन ने इको यानी कि इकोलॉजी एंड इकोनॉमी ये फिल्म बनाई और इसमें हरमन बावेजा एक बिजनेसमैन जो स्टॉक मार्केट में सफल नहीं होते और नुकसान होता है, वो भूमिका हरमन बावेजा ने की थी। ये फिल्म में भी काफ़ी प्रसिद्धि मिली पान नलिन को। नलिन की पत्नी नताशा फ्रेंच है और ये अच्छी फोटोग्राफर भी है, शॉर्ट फिल्म भी बनाती है। एक फिल्म के लिए वो भारत में आई थी और वहाँ दोनों मिले और दोनों में इलू इलू हो गया, दोनों ने शादी कर ली। कच्छ के भूकंप पर स्पीकिंग ट्री भी दस्तावेजी फिल्म जो उसने बनाई थी। एक फिल्म थी नाइट सेड, नताशा ने इसमें रात को 12 से 3 बजे ही फोटोग्राफी की थी। तो आज पान नलिन का इंटरनेशनल सर्किट में काफ़ी नाम है। उसने कई फिल्में बनाई है, संसारा के बाद वैली ऑफ फ्लावर्स, इको ऑफ इको, फेथ कनेक्शन जो हमारे कुंभ मेले पर हुई थी, एंग्री इंडियन गोडेसिस ये महिलाओं की समस्या पर फिल्म थी। 2017 में उसकी एक फिल्म आई थी बियॉन्ड द नॉन वर्ल्ड। इसके आगे जाके कई प्रोजेक्ट वो हाथ में उसने लिए हैं। ये बुद्ध पर भी एक फिल्म बनाना चाहते, उसके काफ़ी काम भी हो चुका है। तो बम्बई में भी उसने एक मॉनसून फिल्म करके अपनी ऑफिस बनाई है। तो कुछ टाइम वो बम्बई में रहते हैं, कुछ टाइम पेरिस में। तो पान नलिन आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी अभी एक न्यूज़ ऐसा मिला है, मार्शल आर्ट पर भी वो द वॉरियर करके फिल्म बनाना चाहते हैं और सादत हसन मंटो की नवल कथा तोबा टैक्सी, इस फिल्म में इस वार्ता पे भी उसने कई काम कर लिया है और आमिर खान से भी इस फिल्म के सिलसिले में भी बात हुई है। और अभी वो एक गुजराती फिल्म के लिए काम कर रहे हैं, छेलो शो, ये भुज में उसका शूटिंग अभी हो रहा है पान नलिन, और उसमें कई गुजराती लड़के काम कर रहे हैं। वो बताते हैं कि हमारे गुजराती में ऐसे कई लेखक हैं, उसकी कई कृति है जिससे फिल्म बन सकती है, मान लो कि जैसल तोरो। तो लव स्टोरी से लेके आगे जाके अध्यात्म तक वो स्टोरी आती है, तो ये उसके ऊपर बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। गुणवंत राय आचार्य की नवल कथाएँ जो है उस पर भी फिल्म बन सकती है। तो उसके मन में कई स्टोरी चल रही है लेकिन वो अपने हिसाब से फिल्म बनाते हैं। तो बॉलीवुड में कई गुजरातियों ने अपना नाम रोशन किया है, पूरी याद ही हम बना सकते हैं। इसमें एक नाम पान नलिन का है जो सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है अपनी फिल्मों के द्वारा। ये जरा हटके डायरेक्टर है और हटके फिल्म बनाते हैं। पान नलिन इससे भी ज़्यादा सिद्धियाँ बटोरे, और इसकी फिल्म इससे संसारा से भी
सुपर हिट हुए और ये अलग अलग विषय पर अपनी फिल्म बनाते रहे, ऐसी हम शुभकामना करते हैं पान नलिन की फिल्मकारी को, हम सलाम करते हैं। थैंक यू फिल्म।